साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। विब्लाजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का एक विशेष बहुत ही शक्तिशाली शावर मंत्र लेकर के आया हूँ। शावर मंत्र की जानकारी दोस्तों मैंने पिछले काफी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि शावर मंत्र कितने पावरफुली वर्क करते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि वैदिक मंत्र जो होते हैं ये अगर इनमें उच्चारण में एक शब्द की यदि मिस्टेक हो जाती है, अगर आप इनको उच्चारण करते हैं और एक शब्द यदि मिस्टेक हो जाता है तो इनका असर जो होता है निल हो जाता है। ठीक है, तो और इसमें क्या लगता है कि अगर वैदिक मंत्रों का यदि हम उच्चारण करते हैं तो इसमें यदि दोष भी लगता है इनका, महापातक लगता है। लेकिन क्या कि कलयुग की शुरुआत से पहले महादेव ने, इस बात की मैं जानकारी पहले दे चुका हूं लेकिन फिर से बता दे रहा हूं कि जितने भी मंत्राज हैं, ठीक है, इनके जनक जो हैं, सम्राट जो हैं, ये महादेव हैं। कलयुग में इन मंत्रों का कोई दुरुपयोग ना हो तो महादेव ने क्या किया था, सारे मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को कीलित कर दिया था। कीलित होने के कारण कलयुग में इन मंत्रों का यदि हम जाप करते हैं तो जब तक इनका उत्कीलन ना किया जाए तब तक वैदिक मंत्र असर नहीं दिखाते हैं। असर दिखाते हैं लेकिन जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है वो रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जन कल्याण हेतु गुरु गोरखनाथ जी ने और 84 लाख सिद्धों ने, नवनाथों ने, इनने शावर मंत्रों की रचना की। शावर मंत्र जो होते हैं खड़ी बोली में होते हैं, ग्रामीण भाषाओं में होते हैं, हिंदी में होते हैं। और शावर मंत्रों में क्या होता है दोस्तों कि इनमें शपथ दी जाती है, इसमें कसम दी जाती है, सौगंध दी जाती है। तो इस मंत्र से रिलेटेड जो भी देवी या देवता होते हैं जब इन मंत्रों को हम जाप करते हैं तो इनमें शपथ दी जाती है, तो वो देवता विवश हो जाते हैं कि इस मंत्र में जो एनर्जी है वो आपकी जिंदगी में फ्लो करे। तो शावर मंत्रों का दोस्तों प्रभाव इतना होता है कि इनको जैसे ही हम जाप करते हैं ये तुरंत में एक्टिव हो जाते हैं और 3 से 7 से 11 दिन में इनका रिजल्ट साफ साफ दिखाई देने को मिल जाता है। काफी ऐसे वशीकरण के भी शावर मंत्र हैं, उच्चाटन के हैं, विद्वेषण के हैं। और दोस्तों खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि शावर मंत्रों को जब जाप किया जाता है तो इनका सटीक रिजल्ट आता है। आज मैं आपको लक्ष्मी माँ का शावर मंत्र देने वाला हूं, ठीक है। अगर सही तरीके से सही समय पर आप इसका जाप करते हैं, सिर्फ एक दिन की ये पूजा, आप देखेंगे कि एक दिन का एक प्रयोग है और आपकी जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी, है ना। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग भी यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय में कुछ खास मंत्रास, कुछ खास स्विच वर्ड्स, कुछ खास थेरेपीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, ये समय समय पर प्रसारित करता रहता हूँ। खास समय पर किए गए जो प्रयोग होते हैं खास दिनों में और जो एंजल्स नंबर्स होते हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ऐसी कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग भी दोस्तों मुझे अपनी कुंडली बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, काफी उपाय आप कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस हो। तो यदि मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स, कॉलिंग नंबर, अपनी बर्थ चार्ट की डिटेल्स व्हाट्सअप करते हैं। और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है तो मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा, आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, कभी कभी दोस्तों घर का वास्तु अनबैलेंस होता है उसके कारण ये प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उनका आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आपका घर जो होता है, आपका वास्तु जो होता है, आपका यूनिवर्स होता है, आप पूरा समय उसी में व्यतीत करते हैं तो आपके घर की एनर्जी भी आपको अफेक्ट करती है, आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, है ना। तो ये वास्तु भी दिखाना चाहते हैं तो कुछ खास मंत्रास हैं, थेरेपीज हैं, टेक्निक है जिसके जरिए आपका घर का कॉल में ही आपका वास्तु चेक किया जा सकता है और उसका उचित निवारण दिया जाता है। तो मुझे कॉल में कंसल्ट करने के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रयोग को जो मैं बता रहा हूं इसे आप पूर्णिमा के दिन में कर लें, शुक्रवार के दिन में कर लें, त्रयोदशी के दिन में कर लें, इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र में या फिर किसी पावन पर्व भी करते हैं तो उसका और भी बेस्ट रिजल्ट आता है, जैसे कि होली, दीपावली, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, शिवरात्रि, इस टाइम पे यदि करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन
इसके अलावा पूर्णिमा के दिन भी बेस्ट आता है, शुक्रवार के दिन में भी आप कर सकते हैं, त्रयोदशी के दिन भी कर सकते हैं। एक दिन का ही प्रयोग है, तो करना क्या है दोस्तों, आपको कमल गट्टे के आपको 9 दाने लेने हैं, ठीक है, और गोमती चक्र होते हैं, गोमती चक्र भी आपको 9 लेने हैं, और सफेद कौड़ी आती है, सफेद कौड़ी आपको ले लेनी है, ठीक है। इन तीनों चीजों को घर ले आए और इनको थोड़ा सा शुद्ध जल से, गंगा जल से या फिर कच्चे दूध से, पंचामृत से इनको साफ कर लें। दोस्तों कोई भी रेमेडी करते हैं, बाहर से यदि कोई सामान लाते हैं पूजा सामग्री के, तो हमेशा उनको पवित्र जरूर कर लिया करें, क्योंकि वो कहां कब कैसे किस हाथ में जा रही है, कौन किस उसमें परिस्थिति में उसको छू रहा है, तो इनमें क्या अशुद्धि होती है, और इनकी शुद्धि करके इनको प्रयोग करते हैं तो फिर रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि सात्विक प्रयोग होते हैं और माता लक्ष्मी को सफाई बहुत ज्यादा प्रिय है, तो इनको शुद्ध जल से, गंगा जल से और कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से इन सबसे साफ कर ले, हल्दी वाले जल से साफ स्वच्छ कर लें, ठीक है। और एक लाल कपड़ा ले लें, लाल कपड़ा, रेशमी लाल कपड़ा ले लें, अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं, ठीक है, सामने पटरा लगा लें और एक घी का दिया जला लें, गुलाब का इत्र और गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब के पुष्प, ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो ये भी आप तैयार रखें, ठीक है। और खीर का भोग बनाएं, माता लक्ष्मी को खीर का भोग बहुत ज्यादा प्रिय है, और उसमें इलायची जरूर डालें, ठीक है। अगर खीर नहीं बना पा रहे हैं तो सफेद मिठाई ले सकते हैं, दूध से बनी कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन खीर जो होती है बेस्ट होती है, तो खीर का भोग बना लें, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थान में बैठ जाना है। शर्त मेरी वही रहती है कि नॉनवेज वगैरह नहीं लेंगे, प्रयोग करेंगे, महिलाएं शुद्धि वाले दिन में नहीं करेंगे, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है, ठीक है। लाल कपड़ा सिर पे डाल लें, और हाँ दोस्तों इसमें आपको 9 कोरिंडा सीड्स यानी कि धनिया के बीज भी आपको इसमें रखने हैं, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध तैयार रखें पूजा स्थान में बैठ करके, शुक्री मुद्रा लगाएं इस तरीके से, दोनों हाथों को घुटने में रखें, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचें, जहां सांस की लिमिट खत्म होती है थोड़ी देर सांस को रोक करके सांस को बाहर छोड़ दें। 7 से 11 बार ये प्राणायाम करें, प्राणायाम आपका कंप्लीट होता है 7 बार 11 बार जो भी आप करते हैं, तो इससे आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट होती है, नेगेटिविटी रिमूव होती है, दिमाग आपका रिलैक्स होता है, उससे आपको जिस रेमेडी करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा प्राप्त होता है। फिर बाद में घी का दिया जला दें, उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा कुमकुम लें, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र के द्वारा जो आपने तैयार रखा है लाल कपड़े में ये उसमें छोड़ दें, थोड़ा सा अष्टगंध छोड़ दें, थोड़ी सी हल्दी छोड़ दें, गुलाब का इत्र छोड़ दें उसमें, और गुलाब की अगरबत्ती जो आपने लगाई थी अगरबत्ती घुमा दें, धूपबत्ती कर दें। अब माँ लक्ष्मी का शावर मंत्र है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। इस मंत्र का आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अगर आप जितना ज्यादा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं उतना ज्यादा इस मंत्र का जाप करें, जितना ज्यादा मंत्र का जाप करेंगे उतना इसमें एनर्जी फ्लो बढ़ता जाएगा। आप आधा घंटा कर लें, 1 घंटा कर लें, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर माला से कर रहे हैं तो फिर आप स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला और या फिर कमल गट्टे की माला, इससे आप 11 माला जाप करें। अगर बिना माला के कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मली 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट, जो भी आपका समय है, जितना आपके पास में समय है, जितना ज्यादा आप अभिमंत्रित करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि शावर मंत्र दोस्तों बहुत ही पावरफुल होते हैं जब ये अभिमंत्रित हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये प्रयोग करने से पहले आपको एक चीज और करनी है कि अपने कुल देवता से, अपनी कुल देवी से, अपने पितरों से, महादेव से, गणेश भगवान से, नवग्रह से और अपने ईष्ट देवता से, इस पूरी रेमेडी को शुरू करने से पहले आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। अपने कुल देवता से प्रार्थना करेंगे, अपनी कुल देवी से प्रार्थना करेंगे, अपने पितरों से, उसके बाद महादेव से, गणेश भगवान से, फिर नवग्रहों से, नवग्रहों के बाद ईष्ट देवता से और आपके ग्रह देवता यानी कि वास्तु देवता, ठीक है, क्षेत्रपाल देवता, इन सबसे आप विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप इस प्रयोग को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो। उसके बाद में गुरु गोरखनाथ जी से, क्योंकि ये शावर मंत्र की रचना जो है गुरु गोरखनाथ जी ने की है, गुरु गोरखनाथ जी का ध्यान करें, मस्तेंद्रनाथ जी का ध्यान करें, ठीक है। उसके बाद में 84 लाख सिद्धों का, नवनाथों का, इन सभी को ध्यान करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जब इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो 100% गजब का रिजल्ट आएगा। उसके बाद में फिर आगे की पूजा जो मैंने बताई है वो आप स्टार्ट कर दें। और जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है तो जो पोटली आपने बनाई हुई है, जो लाल कपड़े में जो सब रखा हुआ है, इसको एक लाल धागे से इसको आप बांध दें और माता रानी को खीर का भोग लगा दें, ठीक है, और इसको बांध के अच्छे से अपने पूजा स्थान में रख दें या फिर अपने धन स्थान में रख दें। दोस्तों एक चीज और आपको करनी है कि जब ये आप प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका नित्य प्रति जो शावर मंत्र मैं दे रहा हूं माता लक्ष्मी का, इसको आप रोज यदि सीधे हाथ में रखें, जैसे पूजा अपने पूजा स्थान में रखा हुआ है, तो धूपबत्ती करें
और जब पूजा पाठ करते हैं तो सीधे हाथ में लेकर के 5 बार 7 बार 11 बार यदि डेली इस मंत्र का जाप करते हैं, डेली इसको पोटली को आप अभिमंत्रित करते हैं, तो इसमें और भी ज्यादा एनर्जी जो होगी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मतलब जितना ज्यादा इसको आप एनर्जी देते जाएंगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में मनी फ्लो बढ़ता जाएगा। अब यदि आपने तिजोरी में रखा हुआ है तो तिजोरी में रख करके पहले पूजा स्थान में ले आए, उसको अभिमंत्रित कर दें। और जो लोग रोज नहीं कर पा रहे हैं तो शुक्रवार पूर्णिमा इसको जरूर अभिमंत्रित करें, लेकिन डेली करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। लेकिन यदि डेली नहीं कर पा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन में कर सकते हैं, अशुद्धि वाले दिन में इसको स्किप कर देंगे। आपको इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। और खीर का जो प्रसाद था, ये खीर का प्रसाद आप क्या करेंगे, घर के सभी मेंबर्स मिल बांट करके खा लेंगे, ठीक है। और ये पूजा आपकी कंप्लीट होती है तो किसी कुंवारी कन्या को आप थोड़ा सा कुछ श्रृंगार वगैरह और कुछ खाने पीने की दान, कुछ वस्तु दान कर देते हैं, जैसे कि मिठाई दे दें या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दें, बिस्किट दे दें, चॉकलेट और कुछ श्रृंगार का सामान दान कर दें, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी आपके ऊपर। तो ये प्रयोग दोस्तों आप पूरे विश्वास के साथ में करके देखिए। मंत्र जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। और मंत्र के उच्चारण में आपको बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हिंदी में है मंत्र, जैसा मंत्र दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही आपको पढ़ना है दोस्तों। कुछ ही दिन आप देखेंगे, कुछ ही दिन में, कि आपकी जिंदगी में पैसा कैसे बहाने मार मार के आएगा। पैसों से रिलेटेड कभी कोई काम नहीं रुकने वाला है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इशावर मंत्र है। कोई बात समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।